शादियों पहला सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफ है पाई स्कूल तो दूसरी तरफ रहने वाले भाई रख का रेड आना बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी बड़ा अच्छा रखते थे वैसे हमारी युवा शक्ति युवा प्रधान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्टार्ट होता है साथियों पहली रेड भाई जो जबरदस्त गेम देखने को मिलेगा साथियों और उसके बाद मोनी हथवाला टीम का कैप्टन एक तरफ है भाई सबसे मजबूत टीम इस टूर्नामेंट की पाई स्कूल तो दूसरी तरफ हरियाणा 11 को हरा कर आई है अगर हाथ निकला तो भाई पहली ही रेड में काम होगा लेकिन काम हुआ इस बार करमवीर का हार जाना होगा करमवीर को पहली ही रेड में करमवीर एक जबरदस्त प्लेयर है आशु मलिक प्रो कबड्डी सीजन 10 की अगर बात करें तो वही हाल ही में बेस्ट रेडर का खिताब मिला है इस खिलाड़ी को अर्जुन देशवाल और आशु मलिक दोनों 276 पॉइंट के साथ फर्स्ट पोजीशन पर थे भाई ये डोकिया ये कमाल की डोकिया भाई मल्टी पॉइंट रेट रखा रेड आना भाई रेड आना के भाई बहुत प्लेयर प्रो कबड्डी में खेलते हैं और इस समय रेड आना की टीम शिरकत करती हुई 15,000 रुपए और एक ट्रॉफी और एम्प्टी राइट रोहित राघव ओके एक और एम्प्टी राइट मुकाबला यहाँ नॉर्थ के साथ जो मुकाबला है वो सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला नॉर्थ वर्सेस साई के बीच में रहेगा प्रयास किया है लेकिन कटा हुआ बोनस सात नंबर की जर्सी में यहाँ गजब सुल्ताना वर्सेस के बीच में कामयाबी मिलती हुई रक्का को बिल्कुल जल्द से जल्द जल्दी में ग्राउंड नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है साई और नौता की टीम उस पर आग लिए भाई फिर रोला करोगे फटाफट अशोक मलिक भाई वो जबरदस्त डुबकी लगाई थी लेकिन ये भाई सुंदर धोला को निशाना बनाया इस बार साई की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है और नौता की टीम भी चलते हुए एक और रनिंग हैंड टच और दूसरा भी रोहित राघव तीन नंबर जर्सी में ये तीन नंबर कमाल का प्रदर्शन आशू मलिक अच्छा सपोर्ट कर रहा है इसका निकल एंकल होल्ड जबरदस्त है ये मुकाबला दोस्तों जो टीम जीतेगी भाई कम से कम 1,31,000 रुपए की इनामी राशि की हकदार हो जाएगी फाइनल में पहुंच जाएगी लंबा फिलाई आशु मलिक फिर से कामयाबी हाथ लगी है लगातार एक तरफ से रख का तो दूसरी तरफ से आंसू
दोनों जबरदस्त गेम दिखा रहे हैं। भाई टीम मैदान पर पहुंच चुकी है, नॉर्थन टीम जल्दी आए। नॉर्थन की टीम, आपके पास 50 सेकंड है भाई, नॉर्थन 50 सेकंड, आप जल्दी से जल्दी ग्राउंड पर पहुंचे। जी पंडित दुसा जी, बिल्कुल ठीक है, आपने 50 सेकंड यानी कि 1 मिनट 10 सेकंड में भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी आपने मैच खेला है, 10 सेकंड इसमें स्टार्ट है। सोनू सुबह स्टार्ट, आप जब खेल ग्राउंड पे आइए, क्योंकि फाइनल मुकाबले के लिए आप ही विलम्ब और देरी हो सकती है, और जितने स्टेज पर विराजमान है तरुण सिंह का बैठना इस सेकंड से मुकाबले में आज हिस्सा व्यक्त करता हूँ। और मेरे गांव के बहुत बड़े बड़ी महान हस्तियां और बड़ा अच्छा लगता है, मलिक भाई जबरदस्त गेम कर रहे हैं, लड़ाई लगातार मुकाम लेकर चले थे, एक और रनिंग हेड टच हुआ और हिंदुस्तान के टॉप स्टार एक स्टार डिफेंडर यहां देखने में मिले, और आज उसी के देखिए शोर शराबे के कारण आज ये मेरे बच्चे दादा हरीश है, हमारी जूनियर कोच, हमारी बहन बेटी सीता अभी यहाँ पर आ गई है। आने वाले समय में सुल्ताना सॉरी फिर से अड्डावाला की कबड्डी फिर उभरेगी भाई, कबर दोनों तरफ से। आपको याद होगा, एक बात याद करना चाहता हूँ, कभी में एक टूर्नामेंट हुई थी, पहला सेमीफाइनल कभी मस्जिद नौ था कभी जीत गई थी, सेकंड सेमीफाइनल उड़िया मस्जिद अटावा कुर्सिया लूज कर गई थी, और अटावा लूज कर गई थी कुर्सिया का, और कभी का फाइनल हुआ था, मुझे आज भी याद होगा। और कुरान का फाइनल हुआ था, एक एक चीज मुझे याद है, जो आपने आज भी अच्छा लगता है। डॉक्टर नरेश देसवाल जी, आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि, डायरेक्टर फॉर्स सुनी घोषण, और बहुत ही बेहतरीन आज सुनील है, सुनील एन आई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील इस टाउन मीटर में धारा सुनील आपका स्वागत है, और वहां पर मेहरबानी परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने बहुत किया, 5 और 7 ये ग्राउंड से बाहर आए भाई, तो ये ग्राउंड के बीच में ज्यादा कमेटी के मेंबर भी उन्होंने सदस्य भी चले गए हैं बाहर आए, रखा लगातार भाई कामयाबी मिली है, लेकिन इस बार भाई अभी बाहर ही रहे भाई, इधर स्टेज के सामने आ गए उसका बाहर रहे प्लीज, आप एक कमेटी कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट है, और कनाडा से भाई बिल्कुल सुनील सेमीफाइनल यहाँ पर चल रहा है, रिंगाना मशीन सुल्ताना के बीच में, ये सुल्ताना और रिंगाना, सुल्ताना की नदी में गांव की साइड में है, और रिंगाना की टीम सुनील जो है वो खेतों की साइड में है, और सेकंड सेमीफाइनल ये नॉर्था और सी साई सोनीपत, ये सुनील देखिए साई सोनीपत की टीम है, ये ग्राउंड नंबर 4 की टीम है। सुनील बहुत बहुत फिर उन्हें आपका हार्दिक स्वागत है, सुनील ये प्रतियोगिता बहुत बेहतरीन और अच्छी प्रतियोगिता, और चकाचक वहां पर टाइम मुझे लगता है रोशनी काफी है जी, जी ये दोनों मैच जो है सेमीफाइनल मैच अभी चल रहे हैं, इसके बाद अंतिम और इस प्रतियोगिता का अंतिम मैच मल्टी पॉइंट जाएगा, दोनों मैचों की विजेता टीमों के बीच होगा, और हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज प्रॉपर्टी का भी आशीर्वाद को याद कर रहे हैं प्रदीप देशवाल जी, सुनील क्या गजब बाप मनोज जी, और लगातार एक और है, एक और टैकल पॉइंट इस मैच को बना लेंगे 2-1 और लाइव मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देवेंद्र जागरण हरियाणा पुलिस, और नोथा अगर जीती है तो देवेंद्र हरियाणा पुलिस दुधन पाना
निंदक टीटी के भाई 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा, अगर नोरथा जीतती है तो कैश प्राइज 500 रुपए दिया जाएगा। सोनो नोट किया जाए प्लीज। और फिर अरे यहाँ पर नोरथा की तरफ से स्कोर इस समय 2-5। और मीटू पंडा जी रेड पर क्या बेहतरीन गजब का प्रयास यहाँ पर, शानदार और शानदार। लेकिन देखते हैं चार का डिफेंस काफी बड़ा डिफेंस होता है। तो बेटा कोई बात नहीं, कोई काम करो अपना बेटा, कोच सुने साई 8 नंबर की सुने। देखिए दोनों ही मैदानों पर सेमीफाइनल मैच चल रहे हैं। सुतारा टीम का अगर मैं जिक्र करूं तो जैसे ही ये टीम मैदान पर आई, मैं दोनों को अनुरोध करूंगा आप कंटिन्यू रखें और खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन के साथ एक बार बताते रहे दोनों कोच। भाई ऐसे नहीं, देखिए इतना अच्छा आप खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे नहीं कोई भी डिस्प्यूट नहीं है पूरी प्रतियोगिता के अंदर। रिव्यू नहीं है भैया, चेंज अभी थोड़े कह देते हैं। और देखिए जैसे कि मैं पहले बता रहा था, 1 मार्च को जो फाइनल मैच हुआ, बहुत बड़ी लीग हिंदुस्तान की प्रो कबड्डी लीग, उसके अंदर अलग अलग टीमों से हमारे बहुत सारे खिलाड़ी खेल करके आए हरियाणा प्रदेश के। सुताना टीम के अंदर मैंने हर खिलाड़ी का आपसे परिचय कराया। आशु मलिक का अगर हम इस लीग का बेस्ट लीडर इसको घोषित किया गया, सबसे ज्यादा स्कोर करने का काम किया इस खिलाड़ी ने, बहुत बड़ा सितारा बनकर के ये खिलाड़ी अब की बार उभर के आया है। और इस प्रतियोगिता में भी आप इस खिलाड़ी का प्रदर्शन बिल्कुल देख रहे हैं, अपनी टीम को यहां तक लेकर आने में इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। जिक्र करें हिंदाना टीम की, इस टीम में भी बहुत बड़े बड़े सितारे, जिक्र करें राकेश नरवाल प्रो कबड्डी के हर सीजन इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 11 नंबर की जर्सी में, इनकम टैक्स के अंदर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत खिलाड़ी, और अब गौरीधारा का हिस्सा बनकर के आपके सामने मैदान पर खेल रहा है। और आसुम ने का एक और शानदार प्रदर्शन, बिल्कुल जंप के द्वारा अपने आप को बचाया और सफल ने 2 अंक लेने में सफल। और अब चला राकेश नरवा गौरीधारा इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और उसी प्रो कबड्डी लीग का एक और सितारा गांव सुताना का हिस्सा बनकर के खेल रहा है किशन ढोल, जिसने पूरी प्रतियोगिता के अंदर जो पहले 5 डिफेंडर होते हैं उसमें 2रा स्थान हासिल किया। ये खिलाड़ी भी निश्चित थी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एक 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 ओनली और आपके साथ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं सुपर टीम के अंदर, सभी प्रो कबड्डी के साथ और मैच का हाफ टाइम प्रो कबड्डी सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। 8 नंबर की जर्सी में आया एक उभरता हुआ बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, जूनियर नेशनल अभी अभी हैदराबाद के अंदर संपन्न हुआ, उस प्रतियोगिता के अंदर साई टीम ने स्वर्ण पदक लिया। मल्टी पॉइंट रेड भाई, रक्का भाई कमाल का प्रदर्शन कर रहा है खिलाड़ी भाई। स्कोर की बात करें 14-21 स्कोर है, 7 पॉइंट से पिछड़ रही है अभी भी हरियाणा टीम। सभी मैच एक एक दो नंबर की हार्दिक से परिणाम आए और बहुत बेहतरीन एक
पंद्रह 22 स्कोर है 7 पॉइंट का अंतर। रखा भाई इस समय कोर्ट के अंदर है लेकिन रेड में बहुत कम देखा जा गया है सेकंड हाफ में। 8-9 का स्कोर यहां पर मुझे आज 35 साल हमारे आदरणीय राजपुरी जी महाराज हमारे मैच में रखा 4 का डिफेंस है 2 की चेन लेफ्ट में 2 की चेन राइट में और फिर 6 नंबर की जर्सी में यहां पर एक आंसू को निशाना बनाने का प्रयास है क्योंकि आंसू लगातार कामयाब हो रहे हैं। टू एंड डायरेक्ट थर्ड रेड टू डायरेक्ट छह नंबर की जर्सी में टू एंड डायरेक्ट नौ था की तरफ से आंसू मलिक स्लिप लगाने का प्रयास लगाने का प्रयास यहाँ पर अभी अच्छा प्रयास टू एंड डायरेक्ट पर रिस्क लेना था रेडर को रिस्क लिया डिफेंस ने पॉइंट मिला एक और आशु मलिक को और टू एंड डायरेक्ट यहाँ भी टू एंड डायरेक्ट देवेंद्र हरियाणा पुलिस ₹500 का कैश प्राइस टीम जीतने पर एक और कृष्ण ढोल और उधर सेमीफाइनल ये चलावा है सुताना वर्सेस इंदाड़ा के बीच में ये भी बड़ा अच्छा मुकाबला बहुत जबरदस्त और एक अच्छा और सामने से आकर फिर टैकल तो विश्व का स्कोर की बात करें 16-24 का स्कोर ग्राउंड नंबर 8 पॉइंट की लीड 16-24 और कर्मी 7 नंबर जर्सी में रेडर सेफ है भाई आशु मलिक की जो उंगली थी टैकल को अंजाम दिया डिफेंस ने लेकिन आशु अपने आप को सेव नहीं कर पाए आशु लगातार रेड में कामयाब हो रहे थे लेकिन डिफेंस में हार जाना पड़ा है आशु को वो हल्की गलती थी साहिला लेकिन कामयाबी और रेड को और भी चले 7 नंबर की तरफ से नौथा की तरफ से 7 नंबर काफी अच्छा प्रयास बेहतरीन क्या 1-2, 2-4 लेकिन नहीं यहाँ बहुत अच्छी ग्रिप और नौथा बन चुकी है यहाँ साई के पास और
और छह नंबर की जर्सी में रेड। बाहर कर दिया है, टीम की रीड की हड्डी को बाहर कर दिया है इस बार। कबड्डी यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रयास और बोनस पॉइंट टू रेडर, बोनस पॉइंट टू रेडर। क्या अच्छा डिसीजन यहाँ पर संजय शर्मा जी का, और फिर एक टैकल। तीन खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल की सिचुएशन, लगातार निशाना बना रहा है। एक और पॉइंट भाई, ऑल आउट की तरफ धकेल दिया है भाई स्कूल की टीम को। कामयाबी रोहित के हाथ लगी, एक और मल्टी पॉइंट रेड है। दो खिलाड़ी कोर्ट में थे, मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन नहीं थर रहे, मीटू शर्मा की तरफ से थर रहे। प्रका एक और भाई कमाल का एक टैकल देखने को मिला है। रोहित राघव वापसी कराने में अहम योगदान है इस खिलाड़ी का, क्योंकि जो ऑल आउट की तरफ पड़ रही थी टीम, दो खिलाड़ी थे मल्टी पॉइंट रेड करके। कोई नहीं, टेक्निकल की कोई बात नहीं, हो जाता सभी पे हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता, हिंदुस्तान में हर चीज पॉसिबल है, हमारे देश में हर चीज पॉसिबल है। जहाँ जिस देश में लालू तारा खा सकता है, तारा पाकिस्तान जा सकता है, मुन्नी बदला है भाई। ये साइड से दो स्टेज में बैठने वाला को दिखाई दे रहा, देर के रात जी साइड में बैठ जाइए भाई, साइड मान लो मैं तो ये ब्रिज उधर उन्नीस अट्ठाईस अंतिम पांच मिनट का समय शेष, 19-28 इसको टाइम आउट लिया है। अंतिम पांच मिनट का समय शेष है, 19-28 इसको है। निशाना जरूर बनाया है रोहित को, लेकिन बाहर जाना होगा। टू वो डाई रेड है, अंतिम तीन मिनट का समय से दस पॉइंट की लीड आ गई भाई। 19-29 और जबरदस्त मुकाबला, और अंतिम अक्षरों में मुझे लगता है कि मुकाबला समाप्त होता है। दोस्तों बाजी मारती हुई फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी, पहली फाइनलिस्ट टीम हाई स्कूल है। यहां नौठा और शाही के बीच मुकाबला है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।